नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में, मेरे यूट्यूब परिवार को। दोस्तों, ये जो मैंने गार्डन इस कार्नर का तैयार किया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जीरो बजट से। दोस्तों, मैंने छोटी छोटी ऐसे क्रिएटिविटी इसमें किया है कि अपने आप में देखने में इतना सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है फ्रेंड्स, जो मतलब कहते हैं कि कबाड़ में जुगाड़। तो फ्रेंड्स, मैंने कबाड़ में जुगाड़ बना करके तैयार किया, तो आइए जुड़िए माँ, मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और बेल आइकन में घंटी को जाकर के प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई सी वीडियो मैं अपलोड करूँ फ्रेंड्स तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, बल्ब है, ये LED वाला बल्ब है जो फ्यूज हो जाता है और हम लोग फेंक देते हैं। तो इस बल्ब को देखिए कितना मैंने क्रिएटिविटी किया है इसमें, कितना देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसे मैंने ये इसमें, ये आप देखिए, जैसे मैंने मनी प्लांट्स को आपको दिखाया था, मनी प्लांट्स में देखिए कितनी ग्रोथ अच्छी सी हो गई है, बिल्कुल कटिंग से मैंने तैयार किया और ये कितना अच्छा सा मैंने लुक दिया फ्रेंड्स। जिस समय भर कर के तैयार होगा, देखिए कैसे एकदम से डेवलप होता चला जा रहा, ग्रोथ बहुत अच्छी पकड़ ली है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि चलिए आप लोग दिखाती हूँ, और जाइएगा तो उस वीडियो में देख लीजिएगा इसमें मनी प्लांट्स को, जो मैंने इस तरह का हट बनाया है, कई तरह तरह के मैंने इसमें हट बनाए हैं। और मनी प्लांट्स की मेरा जो है प्लेलिस्ट में है, उसको भी जाकर आप देखिए तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। और ये जो नारियल के पानी जो हम लोग पीते हैं, पी कर के फेंक देते हैं, इस समय गर्मी खूब हो रही फ्रेंड्स, तो नारियल के पानी को जगह जगह सुखा करके मैंने इसमें मशरूम का शेप दे दिया है। और ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, मनी प्लांट्स का ये जो है मैंने ये टावर टाइप का बनाया है, इसमें मैंने इसमें PVC पाइप में कैसे होल किया फ्रेंड्स। तो ये पिछले साल का वीडियो है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ और बताती हूँ। तो अगर आप ऐसे जीरो बजट से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो एक मेन चीज़ है आज और भी दिखाने का, वो भी मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार किया। ये जो है हमारा स्नेक प्लांट्स, ड्रॉप वैरायटी के होते हैं, तो मैंने इनको भी तैयार किया। कुछ प्लांट्स फ्रेंड्स खरीद करके भी लाई इतनी सड़ी गर्मी में भी, लेकिन अब लगाने की हिम्मत ये नहीं पड़ रही हमारी फ्रेंड्स कि कहीं शौक में ना चले जाएं पौधे, अगर ज़रा से मैं इनको छोड़ दूंगी, लेकिन मैं लगाने की कोशिश ज़रूर करूंगी, क्योंकि अभी इनका DIY लुक देना है ना मुझे। तो ये फ्रेंड्स देखिए, बेल वाला है ये, और ये आपको बताऊं, ये गुड़हल कनेर का है, सॉरी, हाँ ये कनेर है ये, और ये है हमारा इसने वो फर्स्ट लव। तो फर्स्ट लव हमारे पास इस कलर का नहीं था, पिंक कलर का, तो मैंने सोचा कि पिंक कलर का भी फर्स्ट लव ले लेती हूँ। तो ये मैंने ये भी लेकर के आई। और फ्रेंड्स, जो पान है, पान को एक दिन मैं बताऊं कि बिल्कुल मेरा सूख गया था ये पान, मैं बाहर चली गई थी तो बच्चों ने पानी नहीं डाला इसमें, तो बिल्कुल मुरझा गया। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने रात में आई, मैंने देखा पौधे को कि क्या हुआ, और भी पौधों को, तो मैंने रात में ही पानी डाल दिया इनमें और उसमें भर कर के रख दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से तो ये टूट गया है, सूख गया है, लेकिन इस साइड से अपना एक अपना वो ले लेगी तो लता इसमें बनकर के तैयार हो जाएगी। तो पान जो है हमारा, ये बनारसी पान है, थोड़ा चौड़ी वैरायटी है इसमें। और ये फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा मैंने खर्च नहीं किया। ये फ्रेंड्स मैंने इनको ये कटिंग से तैयार की, अब इसका मैं इतना सुंदर DIY बनाऊंगी फ्रेंड्स, तो आपको देखते ही बनेगा। ये फ्रेंड्स जैसे आप लोग झूमर बनाते हैं ना कमरे में, झूमर इतनी महंगी खरीदते हैं, तो हमारा लाइट का भी खर्चा होता, इतना पैसे का भी खर्चा होता। फ्रेंड्स, मैं वो झूमर बना करके इसका दिखाऊंगी। झूमर को क्या होगा कि आप कमरे में लगा लीजिएगा तो ये हवा को 24 घंटे मतलब एयर प्यूरीफायर करता है, ये मतलब हवा को साफ करता है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने सोचा कि चलिए आपको बताती हूँ। तो अगर जो लोग फ्रेंड्स मेरे से जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और बेल आइकन में घंटी को जाकर के ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैंने देखी फ्रेंड्स कि कोई सा वीडियो मैं डालूँ आप लोगों तक तो अपडेट मिलता रहे। और ये फ्रेंड्स इसीलिए मैंने कलरफुल का पेंट किया इसमें कि मैं कैसे झूमर बनाती हूँ,
और मैं टांगने का तरीका भी बताऊंगी। अगर आपके कमरे में कहीं जगह है ऐसी टांगने के पंखे के आसपास तो उसको टांग सकते हैं। इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा भी नहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती कि पानी के एक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, लेकिन हवा को ये 24 घंटे शुद्ध करने वाला पौधा है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को ये सब लोग समझ सकें, जान सकें फ्रेंड्स कि कितनी अच्छी जानकारी मैं देती हूँ। और अगर अच्छा और भी लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।